वही खबर कोटा से आ रही है, जहां आईएसआई हॉस्पिटल के सामने एक युवक ने खुद को कार में बंद करके कार में आग लगा ली। आईएसआई हॉस्पिटल के बाद एक व्यक्ति ने कार में बैठकर पेट्रोल छिड़क कर खुद को आग के हवाले कर दिया। हालांकि थोड़ी जलन होने के बाद वह व्यक्ति कार से कूदकर नाले में छलांग लगा दी। इस दौरान प्रत्यक्षदर्शियों ने उनको अस्पताल पहुंचाने के लिए बाहर निकाला तो लोगों ने कहा कि मुझे तो मरना है। पुलिस का मानना है कि पारिवारिक या मानसिक परेशानी के चलते युवक लग्जरी कार में बैठकर आया और कार को आग के हवाले कर दिया। गनीमत रही कि समय रहते युवक कार से कूद गया, जिसके कारण उसकी जान बच गई। हालांकि कार का ज्यादातर हिस्सा जल गया है और अच्छी कंडीशन की कार कबाड़े में तब्दील हो गई। सूचना के बाद विज्ञान नगर थाना अधिकारी अमर सिंह व TSP राजेंद्र बुड़क सहित पुलिस भारी जाप्ता मौके पर पहुंचा और एक दमकल को बुलाकर काफी देर के बाद आग पर काबू पाया गया। आसपास लोगों की काफी भीड़ भी लग रही थी, जिसको पुलिसकर्मी ने खदेड़ा। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि व्यक्ति ने खुद ही कार में बैठकर आग लगाई। आग लगाने की सूचना के बाद पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे थे। हाँ सर बताएं, ये जिस प्रकार से गाड़ी में आग लगने की सूचना प्राप्त हुई थी, इसमें क्या कारण निकल के आ रहे हैं? जैसे सूचना मिली, मैं और सीआई साहब यहाँ पहुंचे, सब देखा तो ये गाड़ी में आग लगी हुई थी। तुरंत फायर ब्रिगेड को फोन किया और ये व्यक्ति था इसमें जो निकल के कूद के कुंदाड़े में गिर गया था, तो यहाँ के जो स्थानीय लोग थे उन्होंने बचा लिया उसे। उसे एडमिट करवाया भी हॉस्पिटल में, उसके बाद में उससे जो जाँच थे सब पता चल पाई वहाँ से क्या वजह थी इसकी गाड़ी की आग बुझा दी। स्थानीय लोग जो यहाँ बैठे हुए तो उनका कहना ये है कि वो खुद व्यक्ति ने पेट्रोल डाल के आग लगाई, खुद ने गाड़ी में आग लगाई, फिर आग लगाने के बाद में नाले में कूद गया था, जिसको लोगों ने बचा लिया। और अभी वो एडमिट है, उसे आगे बातचीत करने पता चलेगा वास्तविक क्या कारण था इसका।